नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। कड़कड़ाती ठंड झेलने के बाद भयंकर गर्मी में धरने पर बैठे किसानों को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के बारे में अब तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लगभग 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी बंद है और ये कब शुरू होगी ताजा सूरत हाल में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर आज डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस से एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और हमले की जांच कराने की मांग की है। इसके बाद डेरेक ओब्रायन ने इस हमले को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को चुनाव आयोग राज्य के पुलिस महानिदेशक को बदलता है, 10 मार्च को बीजेपी का सांसद सोशल मीडिया पर लिखता है कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, और शाम को 6 बजे ममता बनर्जी पर हमला हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी पर हमले के कुछ मिनट बाद ही गलत बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टरों से जाकर ममता का हाल जान सकते हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी कहा कि हमने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उन्हें पहले से ही ममता बनर्जी पर हमले का शक था, फिर उनकी सुरक्षा में चूक क्यों की गई? ऐसा हमला चुनाव आयोग पर ही विश्वास को कमजोर करता है। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे को चुनाव आयोग लेकर जाएंगे, तो वहीं आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। इससे पहले गुरुवार को ही टीएमसी घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन ममता के घायल होने के बाद ये रद्द कर दिया गया है। ममता कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके बाएं पैर और टखने की हड्डी में चोट आई है। इसके अलावा उनके गले और दाएं हाथ के कंधे में भी चोट आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तंज करते हुए पूछा है कि क्या तालिबान ने ममता बनर्जी पर हमला किया है? उनके साथ बड़ी तादाद में पुलिस वाले चल रहे थे, उन तक कोई कैसे पहुंच सकता है? तो वहीं इस घटना पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज तक से कहा है ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। उन्होंने कहा जिस राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाए वहां की कानून व्यवस्था कैसी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ANI से कहा कि नंदीग्राम में ममता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि नौटंकी और पाखंड की जरूरत है। अधीर ने कहा यह ताज्जुब की बात है कि मुख्यमंत्री पर हमले के दौरान वहां पुलिस नहीं थी, जबकि नंदीग्राम में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। उन्होंने कहा कि ममता के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नंदीग्राम सीट से ममता चुनाव मैदान में है और चूंकि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस पूरे इलाके में पुलिस की अच्छी खासी तैनाती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में है और चुनाव आयोग को बीजेपी निर्देशित करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि ममता बनर्जी के घायल होने की सूचना चिंताजनक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को CPM ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टिकट दिया है। घोष को जमुरिया सीट से टिकट दिया गया है। बता दें आयशी घोष जनवरी 2020 में JNU में हुई हिंसा के बाद चर्चा में आई थी। हमलावरों ने उन पर बुरी तरह हमला किया था जिससे उनको काफी गंभीर चोटें आई थी। वहीं नंदीग्राम सीट से लेफ्ट ने युवा मोर्चा की अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट दिया है। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री लदी हुई कार से जुड़े मामले के तार अब तिहाड़ जेल से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल जैश उल हिंद के नाम से विस्फोटक सामग्री और कार की जिम्मेदारी लेने वाला जो मैसेज भेजा गया था उसे एक टेलीग्राम चैनल से भेजा गया था और उस टेलीग्राम चैनल को कथित तौर पर तिहाड़ जेल में बनाया गया था। एक निजी साइबर एजेंसी ने यह दावा किया है। एक सरकारी एजेंसी द्वारा इस मामले की पड़ताल करने के लिए संपर्क करने पर निजी एजेंसी ने इसकी जाँच की। फिलहाल इस मामले की जाँच NIA कर रही है। मनसुख हिरेन की मौत में शामिल होने का आरोप लगने के बाद महाराष्ट्र ATS ने पुलिस अधिकारी सचिन वझे का बयान दर्ज किया है। इससे पहले बुधवार को वझे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जब तक जांच होती है वझे को पद से हटाया गया है और अगर उनका नाम हिरेन की मौत में पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वझे का नाम आने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सचिन वझे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठाकरे ने कहा कि किसी भी मामले में पहले फांसी दो फिर जांच करो, ये ठीक नहीं है। इसी के साथ CM ठाकरे ने कहा कि मोहन डेलकर प्रकरण की भी जाँच शुरू हो चुकी है।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बजट पेश होने के 6 सप्ताह से भी कम समय में केंद्रीय कैबिनेट ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया कि अब इस संशोधन के प्रस्ताव को जारी बजट सत्र में पेश करने की योजना है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आज सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ जरूरी सामानों के लिए ही दुकानें खुलेंगी। बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। भारत में नए कोरोना केसों में 27% बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 22,854 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 126 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,85,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,58,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोवैक्सीन के विशेषज्ञों के जिस पैनल ने क्लिनिकल ट्रायल मोड में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, उसने अब कहा है कि इस क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग को हटाया जा सकता है। इसने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से सिफारिश की है और अब वही इस पर आखिरी फैसला लेगा। क्लिनिकल ट्रायल मोड टैग हटाने का मतलब होगा कि अब उस वैक्सीन को लगवाने से पहले लोगों को सहमति वाले एक फॉर्म पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं होगी। रूस ने ट्विटर पर कार्रवाई की है, जिसके चलते रूस में ट्विटर की स्पीड को धीमा कर दिया गया है। रूस की संस्था ने कहा है कि उन्होंने ट्विटर से करीब 3,000 ऐसे पोस्ट को हटाने को कहा था जो प्रतिबंधित सामग्री रखते हैं। इस कंटेंट में ड्रग्स और पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट शामिल था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ट्विटर ने इस कार्रवाई को चिंताजनक बताया। वहीं रूस में लोगों का कहना है कि वे ट्विटर पर फोटो और वीडियो देखने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और वो इसका काफी इस्तेमाल विरोध की आवाज उठाने के लिए भी करते हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अभी तक 60 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और 2,000 से अधिक के हिरासत में लिए जाने की खबर है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोलों के अलावा सीधे फायरिंग भी कर रही है। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार की सेना प्रमुख के 2 बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही उनके द्वारा नियंत्रण की जा रही 6 कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अलावा UK भी म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।